नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो साथियों, घग्गर नदी का नाम जरूर सुना होगा जो कि एक मानसूनी नदी है। और साथियों, आज आपको घग्गर नदी का वो रूप दिखाता हूँ जब मानसून के अंदर नहर से भी बड़ी ये नदी आती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हनुमानगढ़ में फिलहाल हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो घग्गर नदी है उसका कितना विशालकाय रूप पीछे आप देखेंगे उस साइड में, कितना बेहतरीन और कितनी बड़ी यह नदी है। और दोस्तों, ये मानसूनी नदी है, जब मानसून आता है, बारिश का मौसम आता है, तब यह नदी बहती है। तो दोस्तों, इसके हम इतिहास के बारे में जान लेते हैं, साथ में ये जानेंगे कि ये जो नदी है वो कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है। तो पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो नदी है कितनी बड़ी है और यहाँ पर पुलिया बनाई गई है। उस तरफ जो आप मंदिर देख रहे हैं साथियों, पिछला वीडियो आपने देखा होगा, भद्रकाली माता का मंदिर है। तो चलिए आपको ये बता दें कि ये नदी कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है। तो साथियों, अब आपको बता दें कि राजस्थान में कहाँ से एंटर करती है। तो दोस्तों, राजस्थान में यह हनुमानगढ़ जो जिला है वहां से एंटर करती है, उसके बाद में तलवाड़ा, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ से होती हुई घग्गर नदी श्री गंगानगर जिले के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बहती है और पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास शहर के पास हकारा नाम ग्रहणी करती है। तो दोस्तों, यह पाकिस्तान तक जाने वाली वो नदी है जो कि पाकिस्तान में भी साथियों पानी पहुंचाती है। तो दोस्तों, अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लेना, जिससे कि दोस्तों इस चैनल पर जो भी वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।